Hello dear students, so in this lecture we will discuss about requirement engineering process. So there are four main phases in the requirement engineering process. The first one phase is, pehla phase hai, feasibility study. Feasibility study. Feasibility ka matlab hum jante hain kyunki hum pehle model padh chuke hain, waterfall model padha hai humne. फिजिबिलिटी का मतलब होता है करना है कि नहीं करना है, इज इट फिजिबल टू डू और नॉट, है ना. तो वो यस और नो अपन कब बोलते हैं, जब किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम कैपेबल होते हैं. सो कैपेबिलिटी सेट के बेसिस पे हम बोलेंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम कर सकते हैं, है ना, प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना है. तो फिजिबिलिटी स्टडी में हम प्रमाणिकता चेक करते हैं कि वो कितना प्रमाणिक है, ठीक है. इसमें दो चीजें एक्टिविटीज के फॉर्म में होंगी, यूजर सेटिस्फैक्शन एंड द सेकेंड वन इज कॉस्ट एस्टिमेशन. देखिए ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले कॉस्ट की बात कर लेते हैं. अगर कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, मान लीजिए कोई काम है जो आप 1000 रुपए में कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कस्टमर बोलता है नहीं भाई मैं तो 750 रुपए दूंगा आपको, तो आप कर पाएंगे क्या? नहीं. सो बोलेंगे भैया तुम्हें तो पड़ ही नहीं रहा है, आप ऐसे बोलते हैं ना जनरली. तो 1000 का काम 750 में करवा रहा है वो. सो यहाँ पर आप बोलेंगे ये फिजिबल नहीं है, थोड़ा भैया ढंग से तो बोल लो, ऐसा होता है कि नहीं. सो कॉस्ट कितनी लग रही है, कंपनी लेवल पर हम देखेंगे ना इतने में हम कर सकते हैं काम. अगर वो बोलता कि 950 में कर दो फिर भी अपन एक बार बोलते हैं हाँ चलो ठीक है 50 रुपए है ना, थोड़ा इधर उधर चलेगा. आप समझ रहे होंगे कॉस्ट फैक्टर के लिए एस्टिमेशन मतलब कहां पे कितना इनपुट लगने वाला है, पूरी प्रोसेस में जितने भी फेजेस होंगे वहां पर कितने एक्सपर्ट इंजीनियर्स लगेंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज लगने वाले हैं, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद एक कॉस्ट निकालेंगे. फिर यूजर को कस्टमर को क्लाइंट को कोट किए जाते हैं ये कॉस्ट कि हम इस प्रोजेक्ट को इतने रुपए में बना देंगे, इतना पैसा लगेगा उसमें, ठीक है. इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है यूजर सेटिस्फैक्शन, कि अगर मान लीजिए यूजर आपके बनाए हुए प्रोजेक्ट या सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है सॉल्यूशन का बनने का, है ना. सो यूजर सेटिस्फैक्शन में वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो यूजर एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, तो वो आपको एड करने पड़ेंगे. क्या उनके एड करने से आपकी कॉस्ट बढ़ रही है या कोई एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है या कोई और प्रोजेक्ट सफर तो नहीं कर जाएगा उसके कारण, क्योंकि यू आर लिमिटेड सेट ऑफ पीपल राइट एज अ टीम. सो इफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आर रनिंग इन अ कंपनी देन इट इज वेरी यू नो रिक्वायर्ड थिंग दैट अ बैलेंस्ड अप्रोच शुड बी देयर, है ना. सो फिजिबिलिटी स्टडी, यूजर सेटिस्फैक्शन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन दो पर्टिकुलर पार्ट में. दूसरा बात करें अपन रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एनालिसिस. रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एनालिसिस, एलिसिटेशन का मतलब मैं बता चुका हूं, डिस्कवरी. एलिसिटेशन का एनालिसिस करने का मतलब क्या है, आपने जो डिस्कवरी किया है वो कितनी इफेक्टिवली हमने वो रिक्वायर्ड चीजें आइडेंटिफाई कर ली है, ठीक है. सो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एनालिसिस में मीटिंग फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ डेवलपमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेवलपमेंट, ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी वहां पर. अब ये समझिएगा आपकी जो रिक्वायरमेंट में है, मैं अगेन आपसे बोल रहा हूं, वो एक ड्राइविंग इंजन होती है. और ये एस्पेक्ट देखिएगा, कोई पर्टिकुलर चीज आपको लग रही है कि बहुत सिंपल है लेकिन जैसे ही आपने उसको एक्सप्लोर किया, आपने कुछ पार्ट्स में उसको डिवाइड किया और हर पार्ट को एक एक करके कंसिडर किया, तब आपको समझ में आया अब इसमें तो बहुत डिटेल में अंदर और कास्केडिंग है. तो ऐसी स्थिति में फिर आपका वो टास्क बड़ा हो जाएगा कि नहीं. सो प्रॉपर जजमेंट आपका होना चाहिए, कहीं ऐसा सरप्राइज फैक्टर निकल के ना आ जाए कि यार इतना तो अपन ने ट्रेवर्स नहीं किया था, इतना तो सोचा ही नहीं था, है ना. सो इसलिए एलिसिटेशन एक डिस्कवरी वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है यहाँ, है ना. सो पूरा जितना भी डेवलपमेंट होगा, कितने फेजेस में होगा, उनके कितने सब पार्ट्स होंगे, उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, एवरीथिंग शुड बी अंडरस्टूड. इसलिए एनालिसिस वर्ड भी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है. Requirement elicitation analysis. The third one is requirement specification.
एनालिसिस के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एक्चुअली ये यूनिट पूरी की पूरी डिजाइन और SRS पे डिपेंड थी, मतलब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे डिपेंड थी। सो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन व्हाट इट इंक्लूड, इट इज द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसलेटिंग द इंफॉर्मेशन गैदर्ड ड्यूरिंग द एनालिसिस एक्टिविटी इनटू अ डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस अ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट। एनालिसिस करने के बाद जो भी फाइंडिंग्स निकली, जो भी हमारे कंक्लूजन निकले, अब उन कंक्लूजन्स को हम स्पेसिफाई करेंगे पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री। लाइकवाइज हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम डोमेन की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करने के बाद, डिस्कवर करने के बाद हम फाइनलाइज कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स लिखेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, द फर्स्ट वन इज यूजर रिक्वायरमेंट एंड सेकेंड वन इज सिस्टम रिक्वायरमेंट। यूजर यानी कस्टमर जो हमें अमाउंट दे रहा है, जो हमें पे कर रहा है, ठीक है। सिस्टम रिक्वायरमेंट इसका मतलब क्या होगा, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमने सिस्टम लेवल पर क्या प्रोविजन सोचे हैं। इसका मतलब क्या है, .NET पे बनाना है, जावा पे बनाना है, सपोर्ट सिस्टम कौन सा रहेगा, मैनेजरियल टूल कौन सा रहेगा, ये सारी चीजें सिस्टम लेवल रिक्वायरमेंट्स में आती हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम यूजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो ये दो प्रकार की रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन का मतलब आप सभी को पता ही होगा, हम यहां पर जो डिसाइड हमने जो किया था क्या वो हुआ, है ना। सो वैलिडेशन यही एश्योर करता है, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। सो दिस एक्टिविटी चेक्स द रिक्वायरमेंट फॉर रियलिज्म, कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस, कितना रियलिस्टिक है जो सोचा था वो बना कि नहीं, कितना कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर बोलते हैं ना अपन, कंसिस्टेंसी करेक्टनेस, है ना, एंड कितना कंप्लीट है। सो कंप्लीट, कंप्लीट, कंसिस्टेंट एंड रियलिस्टिक, ये तीन चीजें हैं, वैलिडेशन क्राइटेरियाज हैं जो कि यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में ये चार पॉइंट्स हैं, फीजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एनालिसिस, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसके दो पार्ट हैं, यूजर रिक्वायरमेंट एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट को एनलिस्ट करते हैं अपन डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, एंड द लास्ट वन इज रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, जिसमें रियलिस्टिक, कंसिस्टेंट और कंप्लीटनेस, ये तीन क्राइटेरियाज को हम जजमेंट करते हैं कि सॉल्यूशन इन तीन क्राइटेरिया पर सक्सेसफुली डिप्लॉय हुआ है कि नहीं, क्या वो पर्टिकुलर जो टारगेट था और जो डिसाइडेड था वो इक्वल हो गए कि नहीं। हमने जो डिसाइड किया था, क्या टारगेट जो बना है, सॉल्यूशन बना है, आप इसको बोलोगे सॉल्यूशन, है ना। सो सॉल्यूशन क्या वही बना है जो रिक्वायर्ड था। सो रिक्वायर्ड वर्ड यूज कर लेता हूं मैं यहां पर, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है ना। सो दिस इज द फाइनल बोलना चाहिए आउटपुट, कि जो सोचा वो कर दिया, है ना। और ये कब संभव होगा, जब आप सारी चीजों को ग्रैनुलर डिफाइन करेंगे, सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सो दैट्स इट विद रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। थैंक यू।